इस हाउस के अब कस्टोडियन हैं। उसके बाद मैं अपनी पार्टी का, अपने कायद इमरान खान का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस अहम मनसब के लिए अपनी पार्टी ने एतमाद दिया और मुझे चुना। उसके बाद जनाब मैं सिर्फ दो चीज़ें आपसे अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर, कि जिस तरह का इलेक्शन हुआ हम सब इस जगह पे पहुंच गए, उन बातों पे मैं आज के दिन नहीं जाऊंगा, आगे काफ़ी टाइम पड़ा है उन मसाइल पे बात करने की। एक चीज़ मैं ज़रूर अर्ज करूंगा कि आप इस वक्त इस हाउस के कस्टोडियन हैं और पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। आपकी और हमारी ये तीसरी टर्म्स इकट्ठे हम मेंबर हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये लफाजी नहीं है जनाब स्पीकर, हम आपसे वाकई ही उम्मीद करते हैं कि इस हाउस को आप बैलेंस चलाएंगे, क्योंकि हमने आपको देखा है और हमने हमेशा आपको, आप ट्रेजरी बेंचेस पे भी रहे हैं तो आपका रवैया देखा है, आपने पोजीशन में भी आप थे तो आप कोऑपरेटिव हैं। मैं आज इस मौके को मुनासबत से मैं देखूंगा और मैं ये अर्ज ज़रूर करूंगा कि कल एक इलेक्शन होने जा रहा है और हमारे लीडर, जो लीडर ऑफ द हाउस हमने जो चुना है, हमारी तरफ से इस वक्त वो असेंबली में हलफ लेने भी नहीं आ सकते। मैं आपके लिए ये ज़रूर कहूंगा आपको कि आप चाय प्रोडक्शन ऑर्डर करें, चाहे उनका कोई बंदोबस्त करें, क्योंकि इलेक्शन की अददी अक्सरियत का जनाब आपको पता है, और अगर आप ये काम कर दें मियां असलम इकबाल साहब हाउस में आके हलफ ले लें, और हमारे वो कैंडिडेट हैं और हमारी तरफ से वो कायदे अवान मुंतखब हो चुके हैं, तो ये आपका पहला गुड जस्टर होगा फॉर अस। मैं ये मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे भी कि आप इसको एज ए गुड जस्टर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और हमारा इलेक्शन, अगला इलेक्शन भी हमारा इसी तरह स्मूथली जाएगा। हमने मिलके काम करना है, हम आपको टफ टाइम देंगे, हम पंजाब के मसाइल पे आपकी इस गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे आपके रेफरेंस से जनाब। आप इंशाल्लाह ताला हमें खान साहब, आपका शुक्रिया सर। मैं आपने जो कायद में, आप बिल्कुल इसकी फिक्र ना रखें, जो कानून कायद और ज़वाबित के मुताबिक और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के मुताबिक होगा इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी, IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान की पार्टी और PMLQ सर आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि जो ट्रस्ट आपने मुझ पर पोज किया है। थैंक यू वेरी मच। तो सेक्रेटरी असेंबली सर प्लीज़ आप प्रोसीड करें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।